हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू स्टार्ट चैप्टर 13 फोर्थ क्वेश्चन हार्मोन्स पार्ट 5 ऑफ क्लास 7 बायोलॉजी। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डॉट रिएक्शन और डायरेक्शन में बात करेंगे सीपी साइकिल या कैबिन साइकिल या बेंसन कैबिन साइकिल इसमें अगर बात करें सीपी साइकिल का तो बेटा इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस थ्री कार्बन कंपाउंड फास्फोग्लिसरीन एसिड है थ्री कार्बन कंपाउंड इन विच इट इज नोन एज पीजीए मीन्स फास्फोग्लिसरीन एसिड इट इज थ्री कार्बन कंपाउंड। इसका मैकेनिज्म क्या है, कितने स्टेप में पूरा होगा, इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सी3 साइकिल। मैकेनिज्म ऑफ सी3 साइकिल पहला पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ CO2, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। एनवायरमेंट में CO2 को फिक्स करना है, इसे कार्बोक्सिलेशन। सेकंड पॉइंट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और तीसरा पॉइंट है रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर दैट इज RUDP। पूरे सी3 साइकिल में ये तीन मैकेनिज्म है। पहला है क्या, फिक्सेशन ऑफ CO2 दैट इज कार्बोक्सिलेशन, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एंड रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर दैट इज RUDP। RUDP का रीजनरेशन रिबुलोज ट्राइफॉस्फेट, इसको हम RUBB भी कहते हैं, या RUBB होता है रिबुलोज ट्राइफॉस्फेट या रिबुलोज ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे से हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है।
तो पीजीए हुआ जी थ्री पी में कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और इसमें काम करता है 12 NADPH NADPH प्लस 12H प्लस काम करता है और इसमें 12 ATP काम करता है तो बनाता है 12 ATP प्लस 12 IP और यह जो है NADP प्लस में टूट जाता है तो एक 12 जो है NADP में टूट गया 12 NADPH प्लस 12H प्लस ये पार्टिसिपेट करता है 12 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी पार्टिसिपेट करता है और पीजीए ये सब मिलकर क्या बनाते हैं ग्लिसरल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट इसमें एटीपी प्रयोग होगा 12 ATP और 12 IP में। आगे हम देखेंगे जो G3P है G3P का 6 जो है मॉलिक्यूल देखेंगे यहां पे लिया जाता है और G3P कन्वर्ट हो गया इसमें FBP में फ्रक्टोज ट्राइफॉस्फेट जो 3 मॉलिक्यूल है और 6 कार्बन समूह से बना हुआ है कौन जा रहा है। आगे आप देखेंगे कि इस फ्रक्टोज ट्राइफॉस्फेट से 3PI निकल जाता है और यहाँ आता है F6P फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल और एक ऐसा है 6 कार्बन कंपाउंड है या 6P आगे चल करके G6P बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और वहां से IP क्या होगा निकल जाएगा तो बनेगा ग्लूकोज ग्लूकोज है ना। तो पहला है इसमें कार्बोनेशन दूसरा ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हमने यहां से लेकर के और यहां तक जो है ग्लूकोज को फॉर्म कर लिया ग्लूकोज को बना लिया। अब आगे देखेंगे जो यह सिक्स का एक मॉलिक्यूल चला गया इधर तो यहां बचेगा यह सिक्स पी के टू मॉलिक्यूल टू यह सिक्स पी यह कन्वर्ट होगा 2X5P जो कैसा है 5 कार्बन कंपाउंड प्लस 2E4P कैसा है 4 कार्बन कंपाउंड। यहां देखिए इसमें जो आपका G3P है इसमें होता है आइसोमराइजेशन और यह DH3P क्या होता है टूट जाता है जाता है उसके 6 मॉलिक्यूल है और 3 कार्बन कंपाउंड से बना होता है इन तीनों का DHAP का क्या होता है आइसोमराइजेशन में DHAP G3P में कन्वर्ट हो सकता है और G3P डीएचए में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या होगा यहां होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P 2 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ G3P तो वो 6 मॉलिक्यूल हो गए 2G3P 2DHAP एंड 2G6P यानी 6 मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए G3P और F6P दोनों मिलेंगे तो बनेगा 2X5P एंड 2E4P उसके बाद यहां पढ़ना है 2X5P बनता है 2SDP 7 कार्बन कंपाउंड SDP 7 कार्बन कंपाउंड और SDP पे फिर यहां से
टू पी आई रिमूव होता है तो बनाएगा टू यस सेवन पी, टू यस सेवन पी और क्या बनेगा टू एक्स फाइव पी प्लस आर फाइव पी, इन दोनों के मिलने से बनेगा सिक्स आर यू फाइव पी, सिक्स आर यू फाइव पी जो कहता है फाइव डाउन कंपाउंड। यहां देखिए यहां पे एटीपी काम कर रहा है, सिक्स एटीपी काम किया क्या बना सिक्स एडीपी प्लस सिक्स पी आई और यहां बन गया आर यू डी पी फाइव कार्बन कंपाउंड। उसके बाद यहां देखेंगे आप सीधे हम पीजीए के पास पहुंचते हैं, यहां एच टू बाहर निकलता है सिक्स एच टू और यहां सिक्स सीओ टू लगता है, यहां पे आर यू डी पी जो कार्बोक्सिलेज है इसी को हम रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं, इसी को रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं। तो यह पूरा जो साइकिल है इसी को हम लोग सी थ्री साइकिल बोलते हैं, यही जो है क्या है सी थ्री साइकिल है या इसी को कैलोरी बैलेंस साइकिल कहते हैं। इसका फर्स्ट जो इसको प्रोडक्ट है वह फास्को है और जो इसका नेट प्रोडक्ट है वह ग्लूकोज होता है। तो पहला इसमें सिंथेसिस से पहले की रीजनरेशन आप पहला कार्बोक्सिलेशन आरयूडीपी जो है CO2 को रिसीव करता है एनवायरनमेंट से और पीजीए बनाता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। तो यहां से लेकर क्या है कार्बोक्सिलेशन है और यहां से लेकर के और यहां तक का जो है ग्लूकोज और यहां से लेकर के यहां तक का जो है हो गया रीजनरेशन ऑफ आरयूडीपी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कार्बोक्सिलेशन, दूसरा पॉइंट हो गया रीजन पार्टनर ऑफ ग्लूकोज, तीसरा हो गया रीजनरेशन ऑफ आरयूडीपी। यहां देखिए जो फास्को ग्लिसरीकेशन होता है ये करता क्या है 12 एडीपीएच और 12 एडीपीएच के साथ और 12 एडीपी को मिला करके ये कन्वर्ट होगा जीपीपी में और जीपीपी C4 साइकिल
तो इस पार्ट में आपको मेरे ख्याल से पूरा सीधी साइकिल समझ में आया होगा। इसके दो मैं तीन मैकेनिज्म है, एक तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलेशन मतलब पिस्टन ऑफ ग्रुप कार्बोक्साइड, और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ आरयूडीपी। इन तीन मैकेनिज्म से सिंथेसिस क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यह डार्क प्रोडक्शन का है पार्ट है, जो लाइट जो है क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, ज्यादा लाइट इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ आ रही है?